ये हो गया, ये हो गया और ये भी हो गया। अब अंग्रेजी में, हाँ, महाभारत किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? हाँ, डॉक्टर राही मासूम रजा ने। वेरी गुड। और रामायण चरिता का नाम? वेरी सिंपल, रामानंद सागर। अरे क्या उठपटांग बके जा रहा है बेवकूफ। जीजाजी बेवकूफ मत कहिए। चुप, बिल्कुल चुप। इडियट। हाँ, आपने से कहा इडियट, जो भी कहना है अंग्रेजी में कहिए, आई डोंट माइंड। वाह वाह, किस बेवकूफ खानदान से पाला पड़ा है, अकल के पीछे लाठी लिए घूमते रहते हैं। एक और आ गई। देखो तुम्हारे हॉरोस्कोप में क्या लिखा है। क्या लिखा है? अनायास संपत्ति लाभ का प्रबल योग है। इसका मतलब फिर से तुम मेरी जेब से पैसे मारने वाली हो। राज, तुम्हारे हॉरोस्कोप में लिखा है। अरे मेरे हॉरोस्कोप में मेरे लिए कोई स्कोप ही नहीं बचा। मैंने तो उसी दिन अपनी जन्म कुंडली को लात मार दी थी जिस दिन तुमसे शादी की थी। काश मैंने अपने बूढ़े माँ बाप की बात को मानकर करोड़पति सेठ धनिक राम की कहानी बेटी से शादी कर ली होती। तुम्हारे माँ बाप का नाम मत लेना मेरे सामने। क्यों? शादी के बाद एक बार तुम्हारी खबर पूछी है? अरे वो तो इसलिए नहीं पूछी क्योंकि मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ उनसे शादी जो की। क्यों? जब उन लोगों ने शादी की थी तब आपकी मर्जी पूछने के लिए आए थे क्या? बोलो। लॉजिक, लॉजिक। अरे चुप। लॉजिक के बच्चों, आज सारी दुनिया इंटरनेशनल ईयर ऑफ सीनियर सिटीजन मना रही है और एक हम लोग है जो बड़े बुजुर्गों की परवाह तक नहीं करते। तुम अपनी बात करो। हाँ, मैं तो मेरे डैडी मम्मी को रोज पटना फोन करती हूँ। अरे हाँ, मम्मी कह रही थी। चुप, चुप। लगे हाथों एक बार मेरे डैडी मम्मी को भी फोन करके उनको सॉरी या माफ करो कह दिया होता तो वो फौरन यहाँ आ जाते ना। मैं सॉरी कहूँ? माय फुट। क्या? मैं तो उनका चेहरा तक देखना नहीं चाहती। हाँ। तुम मेरे माँ बाप के बारे में ऐसी बातें करती हो? यस, माय फुट। मेरे माँ बाप को कहते हो माय फुट? तुम्हारे 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 डैडी मम्मी को माय फुट, माय फुट, माय फुट। देखो देखो लच्छो, मैं बोल रहा हूँ। अरे देखो ना यार, हमेशा कोई ना कोई बोले जा रही है। अच्छा खैर छोड़ो, क्या बात है? बोलो। मैं पोस्टमैन हूँ, रजिस्ट्री। अरे वाह, क्या बात कर रहे हो, तुम पोस्टमैन हो? अरे चलना, साइन करना। आप डॉक्टर हैं क्या? देखा, आपको पता चल गया मैं डॉक्टर हूँ। कैसे? हैंड राइटिंग से है। चुप, नीचे बैठ। राज तुम ठीक कह रहे थे। हाँ चलो, तुम्हारे डैडी मामी को फोन करके सॉरी कहते हैं। हम बच्चों को बड़े बुजुर्गों का ख्याल करना चाहिए। चलो उन्हें यहाँ बुलाते हैं। अरे वाह, आज भेड़िया भेड़ बकरियों की फिक्र कैसे करने लगा? हाँ, तुमने मुझे भेड़िया कहा? नहीं नहीं, मैंने तो अपने माँ बाप को भेड़ बकरी कहा भाई। तो ठीक है। Congratulations, Raj! Raj, you have inherited $5 million. $5 million! जीजाजी, आपकी तो लाइफ बन गई from hut to haveli with family. अरे हवेली छोड़, हवाला जाएंगे लगता है। इस खत्मे से मुझे तो मुसीबत की बुआरी, हटाओ इसे। अरे मुसीबत नहीं, वसीयत है, तुम पढ़ो। प्रिय डॉक्टर राज सेठी, अफ्रीका वासी आपके चाचा मिस्टर राम गोपाल सेठी ने अपने स्वर्गवास से पहले आपको अपनी जायदाद का इकलौता वारिस अपॉइंट किया है। अरे वाह दीदी, हम लोग शरीफ हो गए। वेरी गुड। एक मिनट भाइयों, एक मिनट, मगर एक शर्त है। फिर तो जायदाद गई। क्यों? क्योंकि आप तो हमेशा शर्त हार जाते हैं। अबे बेवकूफ, क्या कर रहा है यार? शर्त का मतलब कंडीशन होता है। हाँ, शर्त ये है कि आप अपने माँ बाप के साथ रहते हो और उनकी सेवा शुश्रूषा ठीक तरह से करते हो। अच्छा अच्छा मैडम, अब पता चला आपके हृदय परिवर्तन का महाकारण। राज, मैं तो कहती हूँ अम्मा बाबूजी को घर ले ही आते हैं। घर ले ही आते हैं? तुमने शायद खत बराबर नहीं पढ़ा। और क्या लिखा है इस खत की? तारीख के 15 दिन के अंदर अंदर हमारा एजेंट जोजो अफ्रीका से आपके यहाँ आकर तहकीकात करेगा। उसके संतुष्ट हो जाने पर ही वसीयत की रकम अदा की जाएगी। 15 दिन? ओह, तो फिर व्हाट्स द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज इन योर हेड माय डियर। इसकी तारीख देखो, तारीख सिर्फ 2 दिन बचे हैं और 2 रोज के अंदर अंदर रूठे हुए माँ बाप को यहाँ लाकर बसाना इम्पॉसिबल है। आइडिया, गुड आइडिया। क्या आइडिया? जैसे कोई चीज बिगड़ जाती है तो आप डॉक्टर लोग उसे कैसे ट्रांसप्लांट करते हैं? जैसे लीवर, किडनी, हार्ट, वैसे माँ बाप। क्या बकवास कर रहा है तू? अरे हाँ, जैसे लोग बच्चे गोद लेते हैं, हम माँ बाप गोद लेंगे। लॉजिक? अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे नहीं नहीं नहीं,
अरे कमाल के लोग हो तुम लोग, तुम्हारा बस चले तो तुम लोग मेरे कपड़े फाड़ के मुझे माँ बाप के लिए भीख मांगने सड़क पर बिठा दो। जीजाजी आज के लिए भीख मांगना आउट ऑफ फैशन हो गया है, अब तो हायर परचेस का जमाना है। सब कुछ किराए पे मिलता है, किराए का दुकान, किराए का मकान, किराए की गाड़ी, किराए का प्यार, सब कुछ हायर कर सकते हो। हाँ, किराए की शान और किस्ते आसान। लेकिन किराए के माँ बाप मैं कहाँ से लाऊंगा, क्या बात करते हो। अरे जरा जेब ढीली करो तो सब कुछ मिल सकता है। अरे जेब ढीली करने का सवाल नहीं है, जेब 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 से याद आया, अरे मेरा एक दोस्त है जेब कटानी, नौटंकी वाला, उसे फोन करता हूँ। अरे पागड़ इधर देखना। अभी ये कितना दाढ़ी है। अबे गधे इसको फिल्टर मूछ बोलते हैं। देखना देख कितना हैंडसम दाढ़ी है। हेलो मेजर्स जेब कटानी एंड कटानी, जेब कटानी स्पीकिंग। जेके जेके मैं डॉक्टर सेठी बोल रहा हूँ, राज सेठी। अरे बाबा डॉक्टर साहब, अरे आज क्या आपको पेशेंट वेशेंट नहीं मिला क्या? अरे जेके, अरे भाई इस वक्त तो मैं खुद पेशेंट बना हुआ हूँ, मेरी हालत बहुत क्रिटिकल है, मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में। मेरे हाथ में इसका? अरे बाबा डॉक्टर का जिंदगी पेशेंट के हाथ में? अरे हट्टा क्या है, घोड़ कली युग आ गया, घोड़ कली युग आ गया, हुकुम करो डॉक्टर। सुनो मुझे दादा मुनि जैसा बाप और निरूपा राय जैसी माँ चाहिए, अर्जेंटली। हाँ भेजे। अरे अरे डॉक्टर सुबह सुबह तुमने विटामिन का गोली खाया कि अफीम का गोली खाया? नहीं भाई, मुझे दो मंझे हुए कलाकार चाहिए जो मेरे माँ बाप का रोल कर सके, अर्जेंटली आधे घंटे में। अरे बाबा लेकिन इतना जल्दी इम्पॉसिबल है। अरे आधे घंटे में आदमी चांद पर चला जाता है, स्पेस एज यार, स्पेस एज करो ना यार। अरे बाबा सुनो, तुम्हारे लिए स्पेस एज होगा, हमारे लिए तो शॉर्टेज ही शॉर्टेज है। चुप हंस मत। अरे भाई तुम्हारी शॉर्टेज मेरे लिए लास्ट एज बन जाएगी, प्लीज जल्दी से दो कलाकारों को बंदोबस्त करो मेरे माँ बाप का रोल करने के लिए। अरे बाबा आप कलाकार कलाकार क्या कर रही हो, आपके घर में तो बड़ा कलाकार है नी? कलाकार? हाँ आपका वो साला टुल्लू, वो कहाँ से कलाकार बन सकता है, गधा कहीं का। देखो नहीं डॉक्टर साहब, गरज पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है नहीं? अरे बाबा इसलिए तो तुम्हारे को फोन किया मेरा बाप। हाँ मेरे बाप बोलता, मेरे को गड़ा बोलता है, मेरे को गड़ा बोलता है। इसे ऐसे घुमाने का फिर ऐसे घुमाने का, ऐसे घुमाने का फिर ऐसे घुमाने का, मजा आया। अरे ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? टाइम पास कर रहे हैं। चीजा जी इस घर में अगर 13 बार टिन-टिन बजा तो क्या टाइम हुआ होगा? 13 बार टिन-टिन बजा तो इसे रिपेयर करने का टाइम हुआ होगा। अच्छा सुनो अब वो जेब कटाने के कलाकार आ रहे हैं। हाँ। अगर किसी भी तरह से उन्हें ये भनक नहीं पड़नी चाहिए कि जायदाद के चक्कर में हम उन्हें माँ बाप बना रहे, समझे? और खास कर तुम्हें कहता हूँ मैं, समझ गए? ओके ओके। अरे भाई आप लोग कौन हो, कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो भाई? मैं हूँ चरणदास नट और हे है रूपमती नटनी। तेरी मेरी नहीं हो पटनी। चुप, आप लोग कौन से नौटंकी से आए हैं? हम तो श्री राम नौटंकी मंडल से आए हैं, हमने तो बड़ी बड़ी नौटंकियाँ की है। बहुत बड़ी बड़ी। हरिश्चंद्र ताराम दी, नल दमयंती, राम लीला, श्री राम लीला। नहीं नहीं वो तो पहले करते थे, अभी तो हम सुखी राम लीला करते हैं, अब उन्हीं के आदेश पर आए हैं। कौन सुखी राम? नहीं नहीं वो दादर वाले श्री राम जेब कटानी के आदेश पर। या नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। हमने तो सुना है आपको माँ बाप की आवश्यकता है। तो वो हमारा अफ्रीका वाला है। चुप चुप चुप, तुझे अभी तो समझाया था मैंने। राज ये चलेंगे? चलाना ही पड़ेगा। आइए बैठिए। ये तुम्हारा नौटंकी का स्टेज है, हमारा सोफा है। लेंगे ठंडा गरम? जब तक कुछ गरम तैयार नहीं हो जाता हम लोग ठंडा लेंगे। हम तो गर्मा गर्म पकौड़े खाएंगे साथ में पुदीने की चटनी। तेरी मेरी नहीं हो पटनी। अबे जल्दी कर दी। आप क्यों घूम रहे सर? हेलो राम भाई स्पीकिंग। अबे ओ राम के बच्चे ये क्या नमूने भेजे तूने, ये नौटंकी के मंकी ब्रांड आर्टिस्ट मेरे माँ बाप कैसे लगेंगे? अरे बाबा मंकी ब्रांड
अरे बाबा मैं क्या करूं बोलो ना, अरे एक बच्चा पैदा करने को 9 महीना लगता है, मैं आधा घंटे में माँ और बाप कहाँ से पैदा करूं नी? अरे इतने बड़े शहर में राम तुम्हें टैलेंटेड और डिसेंट लुकिंग लोग नहीं मिले मेरे माँ बाप बनाने के लिए? अरे बाबा हमारे यहाँ का डिसेंट आर्टिस्ट होता है ना, वो सुबह 9 बजे के शिफ्ट में जाता है। अरे हम कितना कोशिश कर रहा है तुम्हारा बाप बनने का, कितना कितना ड्रेस चेंज किया हमने। तो फिर तुम खड्डे में पड़ो। क्या वो दोनों कहाँ गए? क्या है? पार्टी मालदार दिखती है, पैसे भी बहुत सारे लेने चाहिए। हाँ 500 रुपए मांगेंगे। इतने देंगे? ट्राई करके देखते हैं। देखिए आप लोग मेरे माँ बाप का रोल कर सकेंगे ना? अवश्य करेंगे पुत्र, मगर हम पूरे 5 लेंगे। 5 5000? नहीं 5000 बहुत ज्यादा है, मैं 3000 देने को तैयार हूँ। नहीं नहीं हम तो 5। अच्छा चलो ठीक है, 4000 ले लेना, 2000 पर डे क्या बुरा है? चलेगा। थैंक यू वेरी मच बहन जी, लेकिन देखो काम में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हमें क्या करना होगा पुत्र? ये पुत्र पुत्र छोड़ो, नौटंकी से बाहर आओ, जो मैं कहता हूँ ऐसा करो। आज से तुम दोनों पढ़े लिखे मियाँ बीवी हो, समझे? हम कोई अनपढ़ नहीं है क्या? ये केजी फेल और ये पहली फेल। चुप कर, बिल्कुल चुप कर। देखिए देखिए मैं आपको सीधी तरह समझाता हूँ क्या करना है। आप दोनों पति पत्नी है, मैं आपका पुत्र हूँ, ये आपकी पुत्र वधू यानी मेरी पत्नी है, और ये घर आपका है। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये हमारा घर है ना? हाँ ऐसा आपको समझना है, सिर्फ 2 दिन के लिए समझना है कि ये आपका घर है, समझे? और ये नौटंकी वाली बड़ी बड़ी मूछें नहीं चलेगी, इसे भी कटवाना पड़ेगा। एक मिनट, लेट मी हैंडल द सिचुएशन। जीजाजी इसे काटने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही निकलती है। ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना, मोरे कान का वाला रे ढूंढो। ओ, 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 ये साड़ी पहन लो। ये छे? ये मैं नहीं पहनूंगी। क्यों? इसमें सब आरपार दिखता है। अरे आप पहन लेगी तो नहीं दिखेगा। अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ दूसरा महारथी कहाँ है? वो रेडी हो रहा है। अरे क्या रेडी हो रहा है? उस अफ्रीका वाले जोजो के आने से पहले ड्रेस रिहर्सल तो करनी चाहिए कि नहीं? हो जाए। अरे अरे अब क्या हुआ मेरे बाप? अरे ये धोती है कि लंगोट है? अरे अरे टुल्लू के बच्चे ये क्या उटपटांग चीजें उठा रहा है तू? आपने तो कहा था 70x50 का साइज लाना। ओहो मैंने इंचेस में कहा था, तू सेंटीमीटर में उठा लाया। लॉजिक? अरे क्या लॉजिक, नीचे उतर। एक काम करो, इसे मेरे वो नए कुर्ते पैजामे का सेट है ना वो दे दो, और सुनो उतारने के बाद डेटॉल से धो लेना। जाओ जाओ जाओ। चलिए चलिए। ओ माई, ये आप क्या कर रही है? साड़ी पहन रही हूँ। तो पकड़ के क्यों रखी है? सरकू साड़ी है, ये देखो। मेरा भेजा सरकने वाला है, भेजा सरकने वाला मेरा। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम मुझे क्या कहकर बुलाओगी? त्रिभुवन स्वामी, महापराक्रमी, राज राजेश्वरा। कौन है? तुम? ओ शॉर्टकट मारो। राज बेटा करके बुलाओ, राज बेटा। इसको राज बेटा? लेकिन मेरे बच्चे तो ऐसे छोटे छोटे, चुन्नू मुन्नू टुन्नू, ऐसे भारी भक्कम आदमी को मैं राज बेटा करके कैसे बुलाऊं? ओ माई देखो आपने रामायण किया है ना, सीता का रोल भी किया होगा, तो मुझे हनुमान समझ लो माई। आयुष्मान हो। बाबूजी ठीक ही कहते थे, लालच बहुत बुरी बला होती है। क्या हुआ? कब आएगा तुम्हारा जोजो? अरे आ जाएगा भाई, जल्दी क्या है, बात क्या है बताओ ना। उस गवार ने पान के पीक से सारा टॉयलेट और वॉश बेसिन सड़ा दिया है। इज्जत से बात करो, इज्जत से बात करो, वो तुम्हारे आदरणीय ससुर जी हैं अब। और वो सास? उसने क्या किया? सुबह से रौब झाड़ रही है, मुझसे कहती थी पति को नाम से बुलाती है निर्लज्ज। ठीक ही तो कहती थी। फ्रिज में रखी हुई सारी मलाई खा गए। ओहो, वो मलाई उसे खाने दो ना, वो $5 मिलियन की मलाई तो तुम खाने वाली हो, ये सोचो। क्या बात है, क्यों इतना चिल्ला रहा है बेवकूफ? ये $5 मिलियन की बात से तो मुझे नींद नहीं आ रही है। तुझे कितनी बार समझाया, चिल्ला मत, उन्हें भनकनी पड़नी चाहिए $5 मिलियन की। एक बात बता, तेरा भेजा इतना सड़ा हुआ क्यों है? तेरे दिमाग में कुछ ज्यादा क्यों नहीं है? बचपन में तेरे साथ कोई हादसा हुआ था, कोई दुर्घटना हुई थी? हुई थी। क्या? बहुत बड़ी हुई थी। अच्छा 10 साल पहले हुई थी। क्या हुआ था? मेरे सारे कंचे खो गए थे।
प्रिय जाओ, सेवा का मौका मत गवाओ, जाओ। माँ जी आपके गले में तो दर्द नहीं हो रहा है ना? नहीं। क्यों? कहो तो वो भी दबा दूँ। राज, 15 दिन खत्म होने में सिर्फ 15 मिनट बाकी है। जाओ ना उस जोजो को खोजो। ओहो, अरे हाँ लच्छो, हो सकता है ये जोजो का बच्चा सीक्रेटली हमारी तहकीकात कर रहा हो। ऐसा भी होता है क्या? अरे क्यों नहीं होता, पैसे के लिए काम करी। अच्छी दादी, दादी ये क्या है? अरे ये क्या है? ये क्या है भाई? ये डोंगी है। हाँ मगर किस लिए? अरे जोजो को इम्प्रेस करने के लिए। वो कैसे? हम उसे बताएंगे कि शेवर कुमार की तरह आप भी अपने माँ बाप को इस डोंगी में बिठाकर तीर्थ यात्रा पर जाने वाले हैं। गुड आइडिया, गुड आइडिया। हाँ गुड आइडिया, मेरे माँ बाप जो बने हैं वो अंधे हैं क्या? और फिर इस जेट एज के जमाने में इस डोंगी का क्या काम? तो क्यों साइंस के मुंह पे थप्पड़ मार रहा है मेरे बाप? साइंस, साइंस, साइंस! अरे इस कंपास साइंस की वजह से मैं मैट्रिक में पास नहीं हो पाता हूँ। I hate this science रे। अरे नहीं टुल्लू, मेरे भाई ऐसा नहीं कहते। जरा सोच, अगर साइंस न होता तो हमें मोमबत्ती जला के टीवी देखना पड़ता। जीजा जी, लॉजिक, लॉजिक। पेमेंट भी मिल जाएगा आपको, अब चलिए भी। अरे पेमेंट के मामले में तो मैंने राम जी की भी नहीं सुनी थी। क्या मतलब? अरे जब मैं रामलीला में रावण कर रहा था ना, तब राम जी तीर मार मार कर पसीने पसीने हो गए, फिर भी मैं स्टेज पर नहीं गिर कर मरा। क्यों? क्या पेमेंट नहीं मिला था? अच्छा अच्छा, फिर राम जी ने तीर पर 500 का नोट लपेट कर मारा, फिर मैं मरा। माई डोडो डैडी एंड मोमो मम्मी मम्मी आई एम जोजो, हाउ डू यू डू? नो नो आई नो डू, ही डू। हां ही डू व्हाट? ही डू? एक मिनट, इनके कहने का मतलब है वो रिटायर हो चुके हैं, ओनली आई एम इन प्रैक्टिस, आई डू। योर नेम? नाम चरण दास नट्टा। योर मैन नट? नहीं, आप समझे नहीं जोजो साहब, इनका असली नाम है चरण दास नटेश्वर सेठी। सेठी बिल्कुल ठीक का पुत्रा। इन सारे पैसों के असली हकदार हम क्या? क्या जोजो साहब होटल से चेकआउट कर गए? ओके थैंक यू। अरे होटल से चेकआउट कर गए, यहाँ आता ही होगा। अरे आगे 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 आगे
पुलिस? वो क्या है, रकम ज्यादा है ना, इसलिए पुलिस खुद लेकर आई है। मिस्टर राज सेठी, आप ही हैं महाराज? जी हाँ, मैं ही हूँ। लाइए $5 मिलियन का चेक। आपके यहाँ कोई मिस्टर जोजो आए हैं अफ्रीका से क्या? हाँ बिल्कुल आए हैं, बल्कि अभी अभी आने वाले। आप बैठिए ना, खड़े क्यों आइए। अच्छा महाराज, आप मुझे एक बात बताइए कि ये मिस्टर जोजो रहते कहाँ है? वो किसी होटल में रहते थे लेकिन अभी अभी चेकआउट कर गए। इसका मतलब है महाराज कि इस बार भी वो हमारे हाथ से निकल गया। He is a big fraud. वो लोगों को झांसा देकर वसीयत का पहले भी उनसे हजारों रुपए ऐंठ चुका है महाराज। क्या, मुझसे भी तो 20,000 रुपए ले गया वो। महाराज मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है, लेकिन आप अपने 20,000 भूल जाइए, वो तो गए। वैसे अगर मिस्टर जोजो यहाँ आए तो मुझे इन्फॉर्म जरूर करिएगा। अरे बाकी 2,000 रुपए तो दे दो। अरे कौन से 2,000, क्यों मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो? मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है, जाओ। नहीं नहीं, हम हमारा पैसा नहीं छोड़ेंगे। हम नौटंकी यूनियन में कंप्लेंट करेंगे। हाँ, ये बात है। टुल्लू छू। बकवास बोल। देखा शेख चलियो, बाबूजी ठीक कहते थे, लालच बहुत बुरी बला होती है रे। अरे शेख चिल्ली तो तुम्हारा खानदान है, अफ्रीका में करोड़पति चाचा जी आए, बढ़िया है। अरे खबरदार, अगर मेरे चाचा जी को तो लेके। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए भाई, यू आर एक्सक्यूज। डॉक्टर राज सेठी आप हैं? मैं ही हूँ, बदकिस्मती से। बोलिए ना। आई एम जोजो फ्रॉम जोहान्सबर्ग। आपके मरहूम चाचा जी आपके नाम पे बहुत सारी जायदाद छोड़ के गए हैं। मेरा खत तो आपको मिला होगा, लेकिन क्या करूँ, यहाँ पहुँचते पहुँचते ही 15 दिन बीत गए। बाय द वे, मैं आपके मम्मी डैडी से मिलना चाहूँगा। मम्मी डैडी, अब मैं क्या बोलूँ?